हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। लेडीज स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। ये फ्रंट साइड से हमें ऐसे नज़र आएगा और बैक साइड से, ये देखिए, बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर में बना लें, लाइट कलर में, डार्क कलर में, किसी भी कलर में बना लेंगे। हर कलर में ये डिज़ाइन सुंदर लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं, आपने 14 के मल्टीपल से फंदे डालते जाना है। लास्ट में आपने एक फंदा एक्स्ट्रा डालना है और दो फंदे आपने एस्टिच के लिए डालने हैं, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे फिर तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा, क्योंकि मैं पूरा बोल बोल के रिपीट करती जाऊँगी, कहाँ पे सीधे डालने, कहाँ पे उल्टे, कहाँ पे जाली बनानी, पूरा बोलती जाऊँगी। आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं कोई भी डिज़ाइन बताती हूँ तो पूरा बोल बोल के रिपीट करती हूँ, कि जब भी आप फिर उस डिज़ाइन को बनाने लगे, बनाते समय आपको कोई परेशानी ना आए, आप बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को बना लें। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, ऐसा वाला बॉर्डर बनाया। आप भी पहले बॉर्डर बना लें। अगर आपने बॉर्डर के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं तो जब आप पूरा बॉर्डर बना लेंगे, लास्ट वाली रो जो उल्टी साइड से आप सीधी तरफ जाएंगे, उसमें आपने जितने फंदे बढ़ाने हैं बढ़ा लें, क्योंकि सीधी साइड से फिर राइट साइड से इस डिज़ाइन को हमें शुरू करना है। तो आपने उल्टी रो में ही आते हुए फंदे बीच बीच में बढ़ाते हुए आना, तो फिर नेक्स्ट रो में हमने सीधी रो में डिज़ाइन को शुरू करना है। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? आप भी पहले 14 के मल्टीपल से, ये देखिए, मैंने 14 फंदे डिज़ाइन के लिए, एक फंदा एक्स्ट्रा, दो फंदे एस्टिच के लिए डाल लिए हैं। एक डिज़ाइन हमारा 14 फंदों पे चलेगा, एक फंदा एक्स्ट्रा है वो लास्ट में काम आएगा, दो फंदे एस्टिच वो तो हमारे साथ साथ ही चलेंगे। तो आपने भी पहले 14 फंदे डाल लें, एक फंदा एक्स्ट्रा डालें 15, दो फंदे एस्टिच के लिए 17 फंदे डाल लें, और मेरे साथ साथ ही फर्स्ट रो से बनाना शुरू करें। तो पहला फंदा हम एस्टिच सीधा बुन के निकाल लेंगे, सीधा बुन के, ये देखिए सीधा बुन के निकाल लिया। अब क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर जाली बनाएंगे, जाली बना के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर इन फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे। जाली बनाएंगे उसी हिसाब से कि अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा। ये एक्स्ट्रा फंदा है, ये एक्स्ट्रा फंदा है, 14 फंदों का डिज़ाइन हमने बना लिया है, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा आएगा। एस्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो सीधा बुना जाएगा, उल्टी रो में उल्टा बुना जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 14 फंदों का एक डिज़ाइन फर्स्ट रो कम्प्लीट हुई। सेकेंड रो में क्या करेंगे, जो फंदा हमें सीधा नज़र आएगा उसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, ये सीधा नज़र आ रहा है इसे सीधा बना लेंगे, बाकी फंदे जो उल्टे नज़र आ, जाली वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे,
और बाकी सारे फंदे भी जो उल्टे नज़र आएंगे उन्हें उल्टा बनाएंगे, जो सीधा नज़र आएगा बीच में उसे सीधा बनाना है, बाकी सारे हमने उल्टे, ये देखे ये सीधा नज़र आ रहा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे, जो उल्टे नज़र आएंगे उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। ये फर्स्ट रो मैं आप सेकंड रो आपको बना के बता रही हूँ, हमारी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ऐसे हमारी रो जो भी आएगी वो हमारी ऐसे ही बनेगी, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, सीधी रो में ही हमारा डिज़ाइन चलेगा, उल्टी रो में सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते जाएंगे। तो मैंने आपको एक रो बना के बता दी है, बाकी आप सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा खुद बनाते जाना, उल्टी रो सीधी रो में मैं आपको डिज़ाइन बताती जाऊंगी। अब थर्ड रो पे आगे पहला फंदा स्किप कर लेते हैं, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो का एक कर लिया, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, 14 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बुना जाएगा। जब आप डिज़ाइन ज़्यादा फंदों पे बनाओगे, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फंदा आ रहा है इसे आपने नहीं बुनना है, इसे आपने जैसे आपने आगे आगे फंदे बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक 14 फंदों का डिज़ाइन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आपने फर्स्ट रो से फर्स्ट फंदे से शुरू करना है आगे, ये लास्ट वाला फंदा एक्स्ट्रा आपने जब आपका पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में एक्स्ट्रा फंदा आएगा वहाँ पे ये एक्स्ट्रा फंदा बुनना है, नहीं तो ये 14 फंदों का डिज़ाइन आपने 14 ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाना है, जहाँ पे 14 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ फिर से आपने स्टार्ट से 14 फंदे बुनने हैं, फिर आपने स्टार्ट से 14 फंदे बुनने हैं, जब आपका लास्ट आ जाएगा वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ये वाला उल्टा फंदा बुनना है। फ्रेंड्स मैं पूरा आपको इसलिए रिपीट में बताती हूँ कि आपको पता चल जाए डिज़ाइन कैसे बन रहा है। ये थर्ड रो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे सीधे पे सीधा बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। फोर्थ रो कंप्लीट कर ली, फिफ्थ रो पे आ रहे हैं, पहला फंदा स्किप कर लेते हैं, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक्स्ट्रा फंदा, ये 14 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच हमारा सीधा बुना जाएगा। फिफ्थ रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, सिक्स्थ रो पूरे फंदे सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। डिज़ाइन की सेवन्थ रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, ये देखिए, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, यहाँ पे हम आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, आगे जाली बनाएंगे, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच हमारा सीधा आएगा। यहाँ पे हमारी सेवन्थ रो कंप्लीट हुई, एट्थ रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। नाइन्थ रो पे आगे पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, फिर से एक सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे,
जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बुना जाएगा। यहाँ पे हमारी 9th रो कंप्लीट हुई, 10th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। डिज़ाइन की 11th रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 11th रो कंप्लीट हुई, 12th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 13th रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा फिर से जाली बनाएंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे बनाने के बाद आगे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधी रो में सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 13th रो कंप्लीट हुई, 14th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 15th रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, ये देखिए दो का एक कर लिया, एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधी रो में सीधा बुना जाएगा। यहाँ पे हमारी 15th रो कंप्लीट हुई, 16th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 17th रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, ये देखिए, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा फिर दो फंदे सीधे जाली, फिर से दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधी रो में सीधा बनाएंगे। 17th रो कंप्लीट हुई, 18th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 19th रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा फिर से जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 19th रो कंप्लीट हुई, 20th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 21st रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे
जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधा। 21st रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। 22nd रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 23rd रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे। 23rd रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। 24th रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 25th रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, और अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधा बुना जाएगा। 25th रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। 26th रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 27th रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधी रो में सीधा बुनेंगे। 27 रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। 28 रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 29 रो पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टिच सीधा बनाएंगे। 29 रो कंप्लीट। 30 रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 31st रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा जाली बनाएंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाली बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधा। 31st रो कंप्लीट। 32nd रो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये देखिए 30
थर्ड रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, जाली, एक फंदा सीधा, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधा, थर्टी थर्ड रो कंप्लीट, 34 रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। 35th रो पे आगे पहला फंदा स्किप करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाली, फिर से दो फंदे सीधे, फिर आगे से दो का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दोनों फंदों को निकाल के पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक्स्ट्रा फंदा उल्टा, स्टिच सीधा, 35th रो कंप्लीट, 26th रो सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 1, 2, 36 रो का डिज़ाइन है जो मैंने आपको अभी पूरा बोल बोल के बताया। उम्मीद करती हूँ अगर आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा तो बिल्कुल आसानी से बना होगा, क्योंकि मैंने एक एक फंदे को बोल के रिपीट किया, एक एक फंदे को बोल के बताया है कहाँ जाली डलनी है, कहाँ सीधा, कहाँ उल्टा, पूरा बोल के मैंने बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए, ये हमारा 1, 2, 36 रो का डिज़ाइन है। ये मैंने 14 फंदों पे डिज़ाइन बताया, आपने भी जब 14 फंदे यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया, जब आप 14 फंदे करते जाएंगे आगे आगे रिपीट, तो जैसे हमने 14 फंदों का डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट किया, फिर से फर्स्ट फंदे से शुरू करेंगे, 14 फंदे बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे से शुरू करेंगे, 14 फंदे बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा आप एक्स्ट्रा, वो आपका साइड में उल्टा फंदा चलता जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।